डेल्ही वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज़ #1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। राजस्थान में वैश्विक महामारी को राजनीति का किस तरीके से अस्त्र बनाया कांग्रेस पार्टी ने कि उनके विधायक जिस तरीके से अफसरशाही पर रौब गालिब करते हैं और गाड़ी रोकने पर, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जब जवाब मांगा जाता है तो उसका जवाब आता है उस निष्ठावान, ऊर्जावान और ईमानदार अफसर के तबादले के रूप में। मैं ये मानता हूं कि इसी तरीके से वो दम्भ भरी आवाज थी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के बेगू के विधायक की। एक बानगी आज फिर देखने को मिली। केवल यही नहीं, चिकित्सा मंत्री जी के युवराज, उनके सुपुत्र, आज अजमेर की कलेक्ट्रेट में तिरंगा लगी गाड़ी पर विधायक के स्टीकर के समेत और वहां दाखिल होते हैं। उनको सरकारी अमला रिसीव करता है, सी ऑफ करता है और केवल इतना नहीं, वो उस कलेक्ट्रेट में एक प्रशासनिक अधिकारी के बगल में, कलेक्टर के पास बैठकर, जिसमें पूरे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके साथ बैठकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं। किस हैसियत से, किस संवैधानिक व्यवस्था के तहत गए, शायद ये जवाब सरकार के पास नहीं होगा, लेकिन ये सरकार के कामकाज की बानगी जरूर है कि किस तरीके से सत्ता का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और अफसरों पर जिस तरीके का दबाव, ये इस बात से जाहिर होता है ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की इस वैश्विक महामारी में राजनीति का और घटिया राजनीति का एक बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है। रघु शर्मा जो मंत्री जी हैं, हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके पुत्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रवेश किया। उनकी जो गाड़ी, काले कलर की गाड़ी थी, वो जहाँ कलेक्टर की गाड़ी खड़ी होती है प्रोटोकॉल के तहत, वहाँ किसी अन्य की गाड़ी खड़ी नहीं होती है। सरकारी वाहन या किसी का निजी वाहन उस जगह खड़ा नहीं होता। उन्होंने उस जगह अपनी गाड़ी पार्क करी और वो गाड़ी बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। किसी भी अधिकारी का या प्रशासन का उस पर ध्यान नहीं गया कि वो गाड़ी वहाँ से हटवाई जाए। और जब वो प्रेस वार्ता चल रही थी, जब जिला कलेक्टर और एसपी और सीएमएचओ प्रेस को संबोधित कर रहे थे, वो वहाँ प्रेस वार्ता में जाके बैठे और उसके पश्चात, प्रेस वार्ता के पश्चात, उनने उसी जगह से प्रेस को भी संबोधित किया। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सरकार के ऐसे नुमाइंदे होकर के, जबकि वो रघु शर्मा के बेटे हैं, खाली न कोई विधायक है, न जनप्रतिनिधि है, न कोई ऐसे प्रतिनिधि के नाते हैं, लेकिन उन्होंने इतना प्रशासन को इतना जकड़ रखा है कि न तो कलेक्टर, न एसपी, न सीएमएचओ या अन्य कोई अधिकारी इस ओर ध्यान देता है। उनके हाथ की कठपुतली बना हुआ है और उनको सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। प्रशासन उनके आगे नतमस्तक रहता है। ये बहुत ही प्रशासन के लिए और आम आदमियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी निंदा करते हैं, इसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं और साथ ही ये प्रशासन को आगाह करते हैं कि अगर ऐसा पुनरावृत्ति हुई तो हम एकजुट होकर के जिला कलेक्टर के वहाँ पर धरना प्रदर्शन देंगे और अगर ये गाड़ी आइंदा उस जगह खड़ी रही तो हम, जैसे हमें जानकारी मिली, हम उसका घेराव करेंगे और ये गाड़ी को बाहर नहीं निकलने देंगे।